दोस्तों अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है पोको X4 Pro 5G और दोस्तों इसी के बारे में हम आज के डेट में वीडियो बनाने वाले हैं और दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग से लेके पूरा रिव्यू भी देने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट भी आ रहा था बहुत दिनों से कि पोको X4 Pro 5G का आप अनबॉक्सिंग वीडियो कब लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों इसमें पूरी जानकारी देने वाले हैं किस तरह का फोन है, कैसा फोन है, क्या आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये पोको X4 Pro 5G का अभी पूरा का पूरा रिव्यू देंगे, साथ ही अनबॉक्सिंग भी वीडियो बनाने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट और दोस्तों आपको पहले अनबॉक्सिंग वीडियो देख लेते हैं, अनबॉक्सिंग के बाद ही जानेंगे इसका क्या कुछ प्राइस होने वाला है, क्या कुछ इसका एस्पेक्ट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा जो फोन सक्सेसफुली ये फ्लिपकार्ट के तरफ से आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसका कट कर देते हैं। तो चारों तरफ से कट करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर साइड से बच चुका है तो इसे भी कट कर दिया। तो दोस्तों कट करने के बाद यहाँ पे हमारा फाइनली प्राइमरी बॉक्स मिल जाता है फोन का। तो चलिए फोन का प्राइमरी बॉक्स चारों तरफ से पहले देख लेते हैं, उनके बाद इनको कट करके पूरा का पूरा फोन निकाल देने वाला है। तो चारों तरफ से देख लीजिए कहीं भी कोई तरह का किंतु परंतु नहीं है, पूरा का पूरा सील पैक आपके सामने है। तो चलिए यहाँ पे जो ये कंपनी की तरफ से सील आता है तो इनको कट कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से अलग से सील आता है, ये आपको तो पता ही होगा क्योंकि दोस्तों हमारे बहुत सारे वीडियो में फ्लिपकार्ट का सील आपको दिखाया जाता है क्योंकि दोस्तों ये फ्लिपकार्ट की तरफ से आया हुआ है। और दोस्तों हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट आता है सारा फ्लिपकार्ट की तरफ से, जैसा ओपन हुआ तो मिनी बॉक्स आपको मिल जाता है, मिनी बॉक्स के अंदर देख सकते हैं सिम इंजेक्टर मिल जाता है। और दोस्तों अंदर के साइड देखा जाए तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलता है जिनका कि हमें कोई यूज नहीं है। तो चलिए यहाँ पे बैक कवर आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो बैक कवर को निकाल लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे बैक कवर भी बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है और दोस्तों ये पूरा का पूरा प्लास्टिक आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड होता है ये सब कवर। तो दोस्तों आप फोन को निकाल लेते हैं और दोस्तों फोन को निकालने के बाद जैसा कि देख पा रहे हमारा जो है फोन में भी सील है, तो चलिए पूरा सील को निकाल लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फोन फाइनली हमारा जो है हाथों में आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं ये फोन किस प्रकार का है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त लुक बैक साइड में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको साइड में जो है फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है और दोस्तों यहाँ पे दोनों साइड में आपको स्पीकर मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा फोन आ चुका है तो चलिए फोन को पहले ऑन कर लेते हैं, उनके बाद आगे की देखेंगे क्या क्या और भी मिलता है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं फोन फाइनली ऑन हो चुका है और दोस्तों ये इनका डिजाइनिंग लुक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है। तो चलिए बैक यहाँ पे नीचे और देखा जाए तो यहाँ पे आपको 67 वॉट का चार्जर जैसा कि देख पा रहे आप लोग के सामने और दोस्तों यहाँ पे डाटा केबल में मिल जाता है जो कि आपको टाइप सी पोर्ट के साथ मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं टाइप सी है या फिर नहीं। तो दोस्तों टाइप सी ही है यहाँ पे। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखे आप लोगों के सामने पूरा का पूरा फोन को अनबॉक्स कर दिया दोस्तों, क्या क्या आपको मिलता है तो ये पूरा चीज आपने देख ही लिया। इसके अंदर चार्जर आपको मिल जाता है, सिम इंजेक्टर मिल जाता है, यूएसबी डाटा केबल आपको मिल जाता है, साथ ही फोन भी मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए अब इसका एस्पेक्ट्स के बारे में जान लेते क्या क्या स्क्रीन का एस्पेक्ट्स होने वाला है। तो सबसे पहले इसका डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का फुल HD प्लस वाला अमोलेड डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों इसके फ्रंट साइड कैमरा की बात करें तो फ्रंट साइड में आपको पंचुअल स्टाइलिश कैमरा मिलता है जो कि 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा बेटर होने वाला है। और दोस्तों आगे बात करें इनके एक रिफ्रेश रेट की तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा बेटर होने वाला है, गेमिंग में भी आप इस फोन को यूज कर सकते हैं। और दोस्तों बैक साइड में आते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि आपने देख के लिए। तो दोस्तों बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है। प्राइमरी कैमरा की बात करें तो प्राइमरी कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का मिल जाता है और सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो ये आपको 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ। और थर्ड कैमरा की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 मेगापिक्सल का मिलता है, चिप यूज किया हुआ तो दोस्तों जिसका कि कोई यूज नहीं होता है। तो दोस्तों ये तीन कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है बैक साइड में, साथ ही फ्लैश लाइट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों आगे बात करें इनका बैटरी की तो 5000 mAh का आपको बैटरी मिलता है, साथ ही इसमें आपको 67 वाट का चार्जर मिलता है टाइप सी पोर्ट के साथ जैसा कि आपने देख लिया बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है। और दोस्तों आगे बात करें इनका प्रोसेसर की तो प्रोसेसर आपको कॉलकॉम की तरफ से मिलता है, स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट में देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए दोस्तों ये प्रोसेसर के हिसाब से फोन भी 5G हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करें इनका साइड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है, डबल सिम कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, डबल स्पीकर भी मिल जाता है, 3.5mm जैक भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो फोन के एस्पेक्ट्स की कहानी और दोस्तों ये एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ बॉक्स देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये तो फोन के पूरे एस्पेक्ट्स की कहानी और दोस्तों ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो हम आपको बता दिए, ये स्क्रीन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेटर फोन है। और दोस्तों इसमें आपको जो है गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये फोन आंख बंद करके ले सकते हैं, कोई तरह का किंतु परंतु नहीं है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया किस तरह का फोन है, कैसा फोन है। तो दोस्तों समझ में आ गया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए विकले इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।